सो इसका रीजन क्या है कि इतने सस्ते पे और इतने कम दाम पे ये जो है कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो उसके पीछे का साइंस जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे लिए ये सारी चीजें नामुमकिन सी हो जाती है। मतलब हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, और कर भी पाएंगे तो हम अपने लॉस में चले जाते हैं। इतने रीजनेबल प्राइस पे और इतने सस्ते प्राइस में ये प्रोडक्ट जो है 35 रुपीज में दे रही है 100 स्टिक, 100 स्टिक, 100 काड़ी, जिसको काठी बोलते हैं ज्यादातर, कोई कोई भाषा में इसको काठी बोला जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कंपनी कोई अपना सिमिलर प्रोडक्ट सस्ते पे निकालती है, उसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो उस प्रोडक्ट से ना कमा के किसी दूसरे प्रोडक्ट में अपनी वैल्यू बढ़ा के वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेती है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है जिसे हमने ऑर्डर किया हुआ था। और ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है और इससे हमें क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। सो फिर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और जो बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो उसको हम जो है ओपन करते हैं। तो ये अमेजोन का आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें सारे एड्रेस वगैरह सारा चीज़ जो है मेंशन्ड है, और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो है मैंने एक कंपनी से जो है अगरबत्ती ऑर्डर की हुई थी। अब इसको ऑर्डर करने का रीज़न क्या है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी खास है, वैसे तो काफ़ी सारी अगरबत्तियां हैं लेकिन मैं कुछ इसी टाइप की अगरबत्तियां क्यों आपके बीच। सो ये जो अगरबत्ती है ये ITC की है, मतलब ITC की मंगलदीप, जो कि आप जानते होंगे, और इसमें 100 साध्वी 100 पूजा अगरबत्ती, ऐसा कुछ इनका नाम है, मतलब इनके प्रोडक्ट का नाम है। और ये जो स्टिक, सबसे सोचने वाली और सबसे बड़ी बात जो है, 35 रुपीज़ में 100 स्टिक है इस अगरबत्ती पे। और ये चीज़ें मैं जब ऑनलाइन में किसी प्रोडक्ट के सर्च करते करते मुझे ये चीज़ जो है दिखी, सो मुझे भी ये शौक लगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जितना जो चीज़ें अभी प्रोडक्ट जैसे लिस्ट होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट में, सो उसमें से सबसे सस्ती अगरबत्ती है ये है। सस्ती ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ITC बहुत बड़ी कंपनी है, और जो है इनका सबसे लोएस्ट प्राइस पे ये प्रोडक्ट जो है वहाँ लिस्ट हुआ था। सो मैंने इसे ऑर्डर किया कि क्या इनका ट्रिक है कि ये 35 रुपीज़ में 100 स्टिक दे रहे हैं। 100 स्टिक, जनरली आप और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे 10 रुपये में हम कोई बॉक्सेस रेडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 स्टिक्स हम डाल पाते हैं, उससे ज़्यादा हमारा कॉस्टिक बैठ नहीं पाता, और अगर हम उससे ज़्यादा डालें तो हमें नुकसान की तरफ देखना पड़ जाता है। मतलब हमें ये सोचना पड़ जाता है कि हमें इससे नुकसान होने वाला है। और वही अगर 20 रुपये वाली बॉक्स की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये वाली में आप कितना दे सकते हो, 24 से लेके 25 स्टिक आप डाल सकते हो मिनिमम से मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे, और जितने भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उससे ज़्यादा दे ही नहीं पाती। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 30 रुपये या फिर 35 रुपीज़ में कितना स्टिक होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 35 से लेके 40 स्टिक आनी चाहिए, लेकिन ये कंपनियां कितनी दे रही है, 100 स्टिक। ये एकदम रियल चीज़ है, और ये जो बॉक्सेस हैं आप इसे फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन में सर्च कर सकते हैं, मंगलदीप की प्रोडक्ट है, आपको मिल जाएगी साध्वी 100 करके, और वहां से आप इसका प्राइस आप देखेंगे 35 रुपीज़ ही है। और इसके ऊपर मैंने, मुझे जो है ये मिला है फ्री डिलीवरी पे, मतलब इसके लिए मैंने कोई डिलीवरी चार्ज नहीं दिया। मतलब कंपनी इसको नुकसान में बेच रही है कि क्या बेच रही है, इसके पीछे जो है एक छोटी सी साइंस छुपी होती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, और ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा खेल है, और इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप और हम जैसे छोटे जो मार्केटिंग के फील्ड में या फिर सेल्स के फील्ड में काम करते हैं उसके लिए। दरअसल ये कंपनियां जो है अपना एक कोई प्रोडक्ट, कोई सिमिलर प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम में छोड़ देती है, उससे क्या होता है कस्टमर, जैसे मैंने ही इसको खरीदा, किस रीजन से खरीदा कि 35 रुपीज़ में ये क्या दे रही है, मतलब इतनी सस्ती अगरबत्ती कौन दे सकता है, सो उस रीजन से मैंने भी ये खरीदा। अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, जैसे कि इसमें स्टिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ स्टिक्स मैंने ट्राई भी की थी, जला के भी देखी थी, तो कुछ इस तरीके की इसमें स्टिक्स आती है, और स्टिक्स भी उतनी बुरी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल कंपनीज की स्टिक्स होती हैं, जैसे उसकी खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उसी टाइप की इसके भी है, थोड़ी सी लेस देन है लेकिन काफ़ी अच्छी है, मतलब इसे मैं बुरा नहीं कहना चाहूँगा।
इसका रीजन क्या है कि इतने सस्ते पे और इतने कम दाम पे ये जो है कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट बेचती है, तो उसके पीछे का साइंस जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे लिए ये सारी चीजें नामुमकिन सी हो जाती है, मतलब हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, और कर भी पाएंगे तो हम अपने लॉस में चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे का रीजन और साइंस समझते हैं, ये मार्केटिंग करने का एक नजरिया है। अभी जैसे जिस तरीके से मैंने इसे ऑर्डर किया, ऑर्डर क्यों किया मैंने, क्योंकि ये इतनी सस्ती, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस पे और इतने सस्ते प्राइस में ये प्रोडक्ट जो है 35 रुपीज में दे रही है 100 स्टिक, 100 स्टिक, 100 काढ़ी, जिसको काठी बोलते हैं ज्यादातर, कोई कोई भाषा में इसको काठी बोला जाता है। और यहां से मुझे अगर अच्छी लगने लगी, मतलब मुझे लगा कि वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं फिर से इसी कंपनी के ऊपर और घुसूंगा और सोचूंगा कि इसके साथ साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि सस्ते हैं, अच्छे हैं और क्वालिटीज भी अच्छी होगी। उससे क्या करूंगा, मैं फिर से उसकी प्रोडक्ट को यूज करना चाहूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, जब किसी चीजों की या फिर किसी कंपनी के प्रोडक्ट आपको अच्छा लगने लग जाता है, तो फिर से आप उसी पे स्विच कर जाते हो, मतलब उसी का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, ये मेरा कहना है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कंपनी कोई अपना सिमिलर प्रोडक्ट सस्ते पे निकालती है, उसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो उस प्रोडक्ट से ना कमा के किसी दूसरे प्रोडक्ट में अपनी वैल्यू बढ़ा के वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेती है, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जो लोकल सेल्समैन है, लोकल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं अगरबत्ती के फील्ड में, वो सारे लोग ये सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उनका पहला प्रोडक्ट जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होता है, ना कि बेचने का, ना कि मार्केटिंग करने का। पहला प्रोडक्ट वो जो है कस्टमर के लिए ही देते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन कस्टमर को चीजें समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से ये मंगलदीप का जो है ITC का ये साध्वी प्रोडक्ट मेरे को लगा, और इससे सस्ता कोई भी ऑनलाइन साइट पे अगरबत्ती नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं और इसे ऑर्डर करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो इन जैसे चीजों को आपको समझनी पड़ेगी, मार्केटिंग करने का एक सही नजरिया क्या होता है, मार्केट की वैल्यू आपको कैसे बढ़ानी, मतलब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ानी, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और ये आप बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे ही सीख पाएंगे कि उनका मेथड क्या होता है, उनका मार्केटिंग करने का नजरिया क्या होता है, तरीका क्या होता है। इसी तरीके से आप भी सीखते रहिए और कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप ढूंढते रहिए जिससे मार्केट्स में बहुत ज्यादा वो चलती हैं, और उसके पीछे का जो साइंस है, जो मेथड है, जो मार्केटिंग करने का तरीका है, वो सीखते रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक रूरल मार्केट पे, एक अच्छी मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और एक अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो मिलते हैं किसी इसी तरीके के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।